सुंडाला दुख मंजनान सदान वाड़ी वेसा सारा पहला चिमरिये रकमरी पुत्र गणेशा। और रामू जी खोड़ रहे खेत रहे मायने वे घिसड़िया काटनी स्टार्ट कर दोबारे घरे लुगई ही वे पत्नी उसका नाम था इमरता देवी बहनी मार तो बाप खेजड़ी के लिपट की तो इमरता से हम लोग वही का काम करते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों सतयुग से लेकर के आज तक। सतयुग में भी हमारा साख है, हम लोग हमारे पूर्वज सतयुग में भी इस वही का वंशावली लेखन का कार्य किया जाता था, त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी और कलयुग में आज की पीढ़ी भी ये कार्य करती है। कुए में अंबाया पानी अड़ो थोड़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका राव जी फिल्म स्टूडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अगर आपसे कोई आपके पूर्वजों के बारे में पूछे, आप सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक समाज ऐसा है जो आपके पूरी पीढ़ियों का इतिहास बता देंगे। राव समाज के लोग, ये लोग हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर लेखा जोखा का रिकॉर्ड रखते हैं। आप हमारा ये खास कार्यक्रम पूरा देखना और आगे भी शेयर करना। विष्णु समाज का जो इतिहास है वो केवल मेलाना गांव में ही राव जी के पास मिलता है। जम्बेश्वर भगवान ने किस प्रकार से वो 29 नियम बताए थे और जो खेजड़ली के बलिदान में 363 शहीद हुए थे, वो सारा संपूर्ण इतिहास है जो मेलाना गांव से ही राव समाज के द्वारा ही दिया गया है। कौन किसका क्या लगता है, जब जड़ों में जाते हैं तो पेड़ के वजूद का पता लगता है, कब उसमें फूल आए, कब उसमें फल लगे और उसको किसने लगाया। जी हाँ, ऐसे ही मनुष्यों का उद्भव का पता करना हो तो उसकी भी वंशावली की जड़ों में जाना पड़ेगा। जी हाँ, आज पूरी दुनिया अपनी जड़ों में जाने के लिए बेताब है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, मात्र एक जो ऐसा देश है वहाँ पर वंश लेखन की प्रणाली सदियों से चली आ रही है। आज हम आपको राव जी का कार्य कब शुरू हुआ, किन सदियों में शुरू हुआ, कैसे शुरू किया गया, इसकी संपूर्ण जानकारी मेलाना समाज के राव जी से हम प्राप्त करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप लोग ऐसे ही इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। अभी आप देख रहे हैं लाल सुरंगे रंगों में बंधी हुई ये बही है, इसके अंदर एकदम सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाता है। और अभी आप देख रहे हैं ये खोलने की विधि है, बही खोलने के बाद बही की पूजा की जाएगी और भगवान की भी पूजा की जाती है। वंशावली पूजन के बाद अभी आप देख रहे हैं राव जी के टीकाकरण किया जा रहा है और मौली बांधकर इन्हा का आवादर, मान सम्मान आवादर के बाद जो राव जी के साथ में होते हैं उनका भी के मान सम्मान किया जाता है, जो आप इस वीडियो के अंदर अभी देख रहे हैं। आगे आप लोग देखेंगे किस प्रकार से वंशावली वाचन की जाती है और ये वंशावली की जो ये लिपि होती है ये पिंगल भाषा के अंदर लिखी जाती है और ये भाषा केवल राव जी के द्वारा ही बनाई गई है। सारा पहला धिमरी रघुमरी पुत्र गणेश गजानंद आनंद करोर दो सुख संपत में सीरा दुश्मन को सजन करार। मैं लड़ा है तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राजस्थान के रहवासी है। हम पुराना जो बाप दादा बडेरा की जो हमारे पास रे मई वंशावली है, वंशज की वंशावली, तो पूर्ण ब्रह्मा भगवान ने रचना दिवी रचाई, शिहु के सुनु गमरजा अपनी कुल सुनिए चित लगाई, अपनी कुल सुनने से होत पाप का नाश, प्रथम सुनो वंशावली पाओ प्रेम प्रकाश। जो भगवान ब्रह्मा जी ने जो इतिहास रचाया इन संसार में जाति पाति अलग अलग जो कुछ वंश की वंशावली जो हमारा दादा
जो सुरस्वती वर्मा जी की पुत्री थी, वर्मा जी के 12 पुत्र था और एक पुत्री सुरस्वती, सुरस्वती के पुत्र सुत, मगध और बंदीजन, जिसका हम राव वही भाट हुआ, जिस टाइम में वर्मा जी ने जो हमारे को वरदान दिया, क्या आपने जो वंश की वंशावली लिखनी है और कंठ जो राखनी है, तो हमारा दादा परदादा ने कई पूर्व वडेरा ने कंठज राखी। उसके बाद में राव वही भाट पिंगल होया, पिंगल राव ने जो आपके दिमाग से ये पढ़ाई लिपि, ये चलाई लिपि चलाई पढ़ाई, उसके आधार रे बातें चार युगरी जो वंशावली सत्ययुग, सत्ययुगरा जो 17,28,000 वर्ष, त्रेता वर्ष रा त्रेता युगरा 12,96,000 वर्ष, दवा युगरा 4,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, कलजुगरा 4,32,000 वर्ष, जिनमू 5,121 वर्ष बदीतमान हुआ, जिनसे पहले जो संसार रे मई क्षत्रिय हा, क्षत्रिय वंश से जो राजा दक्ष, दक्ष रे जो शंकर भगवान रे दक्ष राजा री प्रथा रे मई जो जाट हुआ, चार जाता पूनियो हरतेतरवाल छिनछिनवाल और जटुंद्रो, चार जाता जाटारी हुई, जिसके बाद रे मई सात पट्टी हुई, प्रथम पट्टी पूनियो, दूजो कसुओ गिणीजे, सर्ण ने सियाग सो शिवरान सबल बणीजे, गोदारो पटई पट्टी सवाई बिरदाई बणी, वहां सात पट्टियां हुई। उसके बाद रे मई जो अलग अलग जाति हुई, देदड़ गैण डारो खेदड़ खदा गोटू नीलो गटेलो गढ़वाड़ चोटियो चाकल जिंजो जुर घासल नाइल नेहरो बकरेसियो भादू गणगस भादू सारण सराव जोदग मालजो, इन तरीके जो करीब 160 जाति हुई। उसके बाद रे मई 1542 साल रे मई गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु ही बनाया, उस टाइम रे मई हमारा दादा आसानंद जो राव जाटा का था और जाटारी वंशावली पढ़ता और उसको दान दक्षिणा देता और उसके घरे 3 साल ऊंचा और बाद में उसकी बई पोता बाँटता, पुराना जो इतिहास दादा पड़दादा रहा। उसके बाद रे मई उनको दक्षिणा देता, उसके बाद रे मई जो विष्णु समाज गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु समाज बनाई, उस टाइम में आसानंद ने विष्णुया का राव 29 नेम पालन कर और विष्णु ही हो गया। उसके बाद रे मई आज 500 साल, 550 साल हुई है और विष्णुया रे जो 3 साल में राव जावा भाई बाचा सीख देवे, और उसमें 1787 टेम रे मई जोधपुर दरबार अबे सिंह जी टेम रे मई 3 खेड़ना हुआ शहीद हुआ खेजड़िया रे बारे में 363 खेजड़िया रे बारे रे मई शहीद हुआ। उसके बारे रे मई और पूरी स्टोरी हमारे बही रे मई है। मुड़ राज दिया फिर
शरीयत ने पहलो पढ़ सो अम्बासी हरे दिनो कावे कुवे में अम्बाया पानी अड़ो थोड़ो थागनंदे नंबाया बैतिया दौ आने गरु साया पर तम मारा घ पर रोके सतरावा पेंड कुवार पर धरिया कुवार चढ़ने मुख सुमंदरुशान घूंगाड़ुआ किनुआ घूंगाड़े समते पातालारु पानिया उबा करने पाया आवन लागुआ कोटा ने खेले बानी में परतम ऊचे हरे गौआ शमया बाती हले कर बाती हले ठाकर आ मेड़ से शहर अम्बाया बोलो अने नाम जोधपुर दरबार बाती है आ काला घोड़ा काला वो बसतर दूते अनया मेरा तियन तीना जिंदे नंदू दो अंबाती हलो भाईया ना नाने अंजाता बीच में अंगाया कुए पर जिंदे नटाकर कुए पर गुड़ो आपाय ने ये बतलावन के ने सुनो नियम बाया थारे आवो आटे तड़रे अमाई पानी आओ भाया सुरदान से दावे माता ने अंबाया पितारा कागल करने अंगर सा कोई बचाने अगर माती हले उपाया आ नगर राया लोग मेलाना के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वाले बीबीसी न्यूज चैनल वाले बिश्नोई समाज के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जैसे देख रहे हैं ये कैमरा शूटिंग कर रहे हैं राव जी वंशावली वाचन कर रहे हैं, तो हम पूरी राव समाज की ओर से बीबीसी न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और तय दिल से धन्यवाद करते हैं। दयापुर ज्योतियारो मुकड़ो आके कन्हैया माती अले उठे तो भोजन पानी पाते वो कर तो पानी ओम विष्णु जम्बालेर कर तो। ये जो लिपि आपको ये नजर आ रही है ये पिंगल भाषा है और ये राव जी के द्वारा ही बनाई गई। कई सदियों से इसी भाषा में वंशावली लेखन का कार्य किया जाता है और इसके अंदर कोई प्रकार की मात्रा नहीं होती है और ये अपने केवल दिमाग से ही माँ सरस्वती के वरदान से ही राव जी इसका वाचन करते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं पुराने टाइम के अंदर राव जी को दान दातार की दी जाती थी ऊंट पुराने समय में दिए गए हैं, उनके ये चित्र हैं जहाँ राव जी जजमान के घर जाते हैं जो चीज खाते हैं जो वो करते हैं वो सारी बही के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे से हम लोग बही का काम करते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों सतयुग से लेकर के आज तक। सतयुग में भी हमारा
साख है। हम लोग हमारे पूर्वज सतयुग में भी इस बही का वंशावली लेखन का कार्य किया जाता था, त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी और कलयुग में आज की पीढ़ी भी ये कार्य करती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश लेखन का कार्य है। हम एक दूसरे से जैसे दादाजी करते थे, परदादाजी करते थे, उसके बाद में पिताजी, पिताजी के बाद में हम लोग तैयार हो जाते हैं और यजमानों को घर जाते हैं। यजमानों से हमें बड़ा मान सम्मान मिलता है। वहां जाकर के हम उनके नाम लिखते हैं, उनको पुराने पूर्वजों के नाम बताते हैं, उनके द्वारा हमारे को बधाई के रूप में सोना के गहने, चांदी के आभूषण, पैसे से हर्ष दिए जाते हैं। ये प्राचीन काल से एक तरह का नियम है और कानूनी रूप से वो अपने मर्यादा के रूप में हमें देते आ रहे हैं। धीरे धीरे ये काम चरम सीमा पर था, लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। हमारा जो समाज है, ये समाज वंश लेखन का कार्य करता है। बड़ी बड़ी बही है हमारे पास। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज पेड़ों के पत्तों पर लिखते थे, उसके बाद में कपड़े की बही आई जो खद्र के रूप में उसको मैण पा करके लिखते थे, उसके बाद में कागज की बहियाँ आई। अब जमाना कंप्यूटर का है, सरकार ने भी कई तरह के नियम जो अभी वर्तमान में आधार कार्ड सरकारों ने लागू किए हैं। ये आधार कार्ड प्राचीन काल में सिर्फ हमारे पास हुआ करता था, इसी के द्वारा हमारे द्वारा ही पता लगता था कि कौन सा व्यक्ति किसका पुत्र है, कहाँ रहता है, किसका लड़का है, कौन माँ का नाम है और क्या किस काम से यहाँ आया और कितने सालों से यहाँ निवास करता है, किस गांव की नींव किसने रखी, कौन आया, किस शहर की नींव किसने रखी, कौन आया, कब रखा और कितने वर्ष इस शहर को बसे हुए हुआ। ये इतिहास का काम हमारे समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चलता आ रहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा हमारी उत्पत्ति का लेखन है और ब्रह्मा के द्वारा जब सृष्टि का विस्तार किया गया, सृष्टि का जब विस्तार होने लगा तो सृष्टि की विस्तार की शाखा के लिए भाई बाट कह दीजिए, राव जी कह दीजिए और भी कई नामों से जागा जी कह दीजिए, बड़वा जी कह दीजिए, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग बारोट जी कह दीजिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। परंतु अब धीरे धीरे हमारे बच्चे पढ़ने लगे हैं और जो हमारे कार्य था, हमारा एक वंशानुगत कार्य था, वो कार्य धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उसका कारण है सरकार द्वारा उचित समय पर उचित कार्य को समय पर ध्यान नहीं देना। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, सभी वर्गों से, सभी सामाजिक प्राणियों से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये ताकि हमारी पीढ़ी है वो इस कार्य को लगातार करती रहे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। सरकारें सभी प्रोत्साहित करेगी तब इस कार्य को, अन्यथा ये हमारा कार्य धीरे धीरे लुप्त की कगार पर हो रहा है। कारण उसका ये है कि हमारी पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, यथास्वरूप बनाए रखने के लिए सभी लोग सहयोग करें और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे। जय हिंद। सरपंच प्रतिनिधि हंसराज राव, ग्राम पंचायत मेलाना, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान से विलोम करता हूँ और राव शब्द कब पढ़ा? राव का मतलब है रास्ता बताने वाला। विष्णोई जाति के और जाट जाति को रास्ता बताते हैं, इन रास्ते पे आपके बाप दादे और बाट शब्द दिए में बाट होती है तो उजास होता है और बनिए की दुकान में बाट होता तो सामान का तोल कर देता है और बाट शब्द है रस्ते का, हिंदी में रस्ते को बाट शब्द बोलते हैं और हम विष्णोई और जाटों के राव हैं। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का जन्म 1508 जन्म हुआ था पिंपा साहब और 7 वर्ष की मौन अवस्था में, मौन नहीं तो बोलते थे, फिर 7-14 वर्ष की अवस्था में बोलने लगे और पहली दफे मेड़ते के राजा दुधे जी से वार्तालाप हुई। मेड़ते के दुधे ने
गुरु महाराज पांच धर्म बोलाया, आया ने अहंकार शील दृष्टि सफेद वस्त्र और केर का खांडा दिया था, उसका धूम करना, खांडे के मतलब आपका राज कायम रहेगा। और जीव दया, जीव के ऊपर पर्यावरण और विष्णु के पहले शब्द पुराना मारवाड़ी में सिनानी कहते थे, सिनानी का मतलब क्या होता, शुभ स्नान करने वाले आदमी। इनके बाप दादे पूर्व जम्बेश्वर भगवान मेन पहला धर्म था सवेरे स्नान करो, इनका शब्द सिनानी बोलते थे। और 1508 में आपका जन्म हुआ और 1542 में सम्राट धुरे पर जाटों से विष्णु पंथ चलाए थे। और 29 धर्म बोलाया था और बाद में मैं दिल्ली सिकंदर लोधी को पर्चा दिया था प्रथम, और ऐसे 52 पर्चे गुरु महाराज के थे और 52 पर्चे दे के 1593 में चरत्री निवरे दिन अपना शरीर समाप्त हुआ और मुकाम में समाप्त हुआ था, आपने समाधि ली थी। और गुरु महाराज का तो बहुत बहुत आप देश विदेश में ही है, उसका पहला धर्म था पर्यावरण, रूख हरे रूह को गाव नहीं गालना। दूसरा धर्म था दया, जीव पर दया, और हमारा ही मतलब है जीव पर दया रखनी और खेजरी हरा वृक्ष बचाना, ये हमारा मूल धर्म है। और हमारी समाज कोई विष्णु समाज के बराबर औदा दिया जाए, और हमारे के धर्म वो 29 का 29 हमारे धर्म है, हम भी वो इस विष्णु का धर्म रखते हैं। इतना ही बोलता हूँ। गांव में लाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर, हम विष्णु के राव है और पुराना इतिहास रखते हैं। और 363 जो शहीद हुए और उन्होंने पूरी वंशावली और 363 शहीद हुए, वो हमारे जो बुजुर्ग है वो पूरा इतिहास दिया। और उन टाइम में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे और राम सिंह जी थे और पूनम चंद जी और बड़ा बड़ा अफसर यहाँ हमारे गांव में लड़ा आए और पूरी मतलब वंशावली 363 शहीदों को पूरा मतलब विवरण दिया। आप जाओ खेजरली गांव है जो के पास, वहाँ सूखी लकड़ी लेके आना है। अच्छा। तो उन्होंने गीली खेजड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। अच्छा। तो वो विष्णु और गांव हो और रामू जी खोड़ रहे खेत रहे मायने वह खेजड़ियाँ काटनी स्टार्ट कर दी। दोबारे घरे लुगई ही वह पत्नी, उसका नाम था इमृता देवी बैनीवाल। तो आप खेजड़ी के लिपट की। मैं राव गुमान सिंह निवासी मेलाना जिला जोधपुर। हम एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिसने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया है। राव समाज के लोगों का मुख्य दायित्व रहा है कि वंशावली लेखन को संजोकर रखना। और राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिनका जिक्र खेजड़ली के 363 सहित लोगों के बारे में जाना जाता है, जो कि एकमात्र विश्व की प्रसिद्ध घटना हुई है जिसमें वृक्षों के लिए 363 लोगों ने मतलब शहीद हो गए थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उनका जो रिकॉर्ड और इतिहास है केवल और केवल मेलाना के रावों के पास में है। और हम राव लोग जो कि विष्णु के घर जाकर उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड है हम संजो कर रखते हैं और उनका जन्म विवाह मृत्यु और उनके द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य हैं उनका हम इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं श्रवण राव बोलता हूँ, मेलाना निवासी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर। वंशावली के लेखक के बारे में आपने पूछा था, वंशावली का वर्णन पूरा सुनाता हूँ। चार युगों की वैसे तो वंशावली बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान निराकार से ये सृष्टि रची थी। निराकार जीव जो न मरता है न जन्मता है,
निराकार रूप ने सृष्टि रचई। चार युगों की वंशावली, चार युग में पहला युग है सतयुग, त्रेता युग दवा युग कलयुग। सतयुग का 17,28,000 वर्ष सतयुग पर्याण, त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष त्रेता युग पर्याण, द्वापुर रा 8,64,000 दवाजुग पर्याण, कलयुग का 4,32,000 कलयुग पर्याण। वैसे वंशावली बहुत बड़ी है चार युगों की, लेकिन अमुक अमुक बात आपको बताना चाहता हूँ। सतयुग में 17,28,000 वर्ष की उम्र, जिनमें मान के की उम्र 1,00,000 वर्ष की, एक बच्चों बच्ची होने के बाद में गृहस्थी धर्म त्यागन कर देते थे वो। और सतयुग में चौथा वर्ण शूद्र, उस सतयुग में चार वर्ण थे। वर्णों के बाद में त्रेता युग आया, त्रेता युग में चार वर्णों का एक वर्ण के पीछे 9 वर्णन भाग, जो त्रेता युग में 36 वंशों की वंशावली बोलते हैं वो 36 वंश थे। उस सतयुग में चार वर्ण थे, त्रेता युग में 36 वंश हो गए। जो 36 वंश है वो 12 वंशज ऋषि संप्रदाय, 12 ने 10 चंद्र वंशज, 22 ने 10 सूर्य वंशज, 32 ने 4 अग्नि वंशज। 36 वंशज की वंशावली गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में आपने पूछा था, तो ये सतयुग से वंशावली स्टार्ट करता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान की वंशावली सतयुग से किन प्रकार स्टार्ट हुई थी। 36 वंशों में चार वर्ण बताए थे, वो चार वंशज आबू जी पे उत्पन्न हुए। जो चार वंशज है बामू, पहला चवाण, पिड़ियार, सोलंकी और पंवार, परमार भी बोलते हैं। तो पहले तो ये बताना चाहता हूँ सतयुग में वंशावली जो स्टार्ट हुई उसमें पहले राव का वर्णन बताना चाहता हूँ। जो रावों के पास वंशावली है, हम सारी सृष्टि में हर